pertaining to the consumer behavior and the topic is satiation what we mean by the satiation it is a point at which the consumer he ceases to have more he reduces his desire and naturally it is not possible that a consumer is not willing to have more but for a particular commodity we can say that that given time on which we are going to study the consumer now, he is not willing to give up other commodity to have that particular commodity for which we are going to say that the consumer is satiated. So, in a consumer theory, it will be a point that we mention that the now consumer is having a maximum satisfaction. रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कमोडिटी आइदर इट इज़ ए और बी और सी या दूसरे अल्फाज में हम कहें कि किसी एक ख़ास कमोडिटी के लिए सारफ़ की तलब हमारी इकनॉमिक थ्योरी में वैसे कभी कम नहीं होती लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे जब वो एक ख़ास चीज़ के लिए अपनी तलब को एक लिमिट पे ले आता है और उससे ज़्यादा कि वो तलब नहीं करता और उसको मज़ीद हासिल करने के लिए जो कोई दूसरी कमोडिटी उसके पास है वो उसको सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होता और द सेम पॉइंट इज़ आल्सो कॉल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट अ सेटिएशन पॉइंट और अ ब्लिस पॉइंट अब इसकी फर्दर फीचर्स पे अगर हम आते हैं तो हम कहते हैं कि कंज्यूमर के पास हमेशा हम देखें तो कोई भी जो चीज़ है वो सिंगल कमोडिटी की फॉर्म में नहीं होती वी ऑलवेज अज्यूम दैट कंज्यूमर विल प्रेफर टू यूटिलाइज द थिंग्स इन मिक्सचर और अ बंडल ऑफ द गुड्स सो अब उन कमोडिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए आइदर गुड ए और बी और एक्स वन और द एक्स टू वेन ही विल बी मोर क्लोजर टूवर्ड्स हिज बेस्ट बंडल तो वही विल से कि वो बेस्ट बंडल उसने अचीव कर लिया है या जिसको हम कह सकते हैं कि वो उसका ऑप्टिमल पॉइंट भी हो सकता है और जिसके ऊपर वो बेटर ऑफ है अपनी प्रेफ्रेंसेस के सिलसिले में अपने बाकी पॉइंट्स के मामले में और जैसे ही अपने उस ऑप्टिमल पॉइंट से या बेटर ऑफ पॉइंट से वो दूर होता चला जाएगा तो हम कहेंगे कि अब जो कंज्यूमर है या सार्फ है उसकी यूटिलिटी रिड्यूस होती जा रही है और वो वर्स ऑफ हो रहा है तो जैसे जैसे वो उससे दूर होता चला जाएगा उसकी प्रेफरेंसेस कम होती चली जाएंगी तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वो यू विल से

अब जब कंज्यूमर जो है अपने उस एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर रहते हुए हम अगर देखें तो उसकी अगर इंडिफरेंस की नेगेटिव स्लोप तब होगी जब कंज्यूमर के पास किसी भी कमोडिटी का या बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो तो क्योंकि इन दोनों के ट्रेड ऑफ के जरिए ही उसकी नेगेटिव स्लोप बनेगी और अगर वो पॉजिटिव स्लोप बना देता है जो कि पॉसिबल नहीं है कि इंडिफरेंस का वो पॉजिटिव स्लोप तब बनेगी जब वो दोनों कमोडिटीज की पहले के मुकाबले में ज़्यादा अमाउंट ले रहा हो जो कि मुमकिन नहीं होता तो अब दोनों कमोडिटीज की जब वो नेगेटिव कमोडिटीज की तरफ जा रहा होगा तो हम उसको कहेंगे कि उन दोनों की मूवमेंट में वो क्लोजर हो रहा है अपने ब्लिस पॉइंट पे या अपने ऑप्टिमल पॉइंट पे और इसी वजह से उसके उस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट को जहाँ पर जब हम देखें तो उसकी सबसे नेगेटिव और द लोएस्ट अप्रोच होती है वहाँ हम अगर अब यहाँ डायग्राम चीज़ को देखें तो सर्कल्स के ज़रिए जो चीज़ वाजिया की गई है हालांकि इन डिफ़्रेंस को अगर हम देखें तो वो सर्कल्स की फॉर्म में नहीं होते लेकिन यहाँ से बताने का पर्पस ये है कि अगर हम किसी कमोडिटी का इनडिफ्रेंस कर्व ड्रा कर रहे हैं जो कि हमेशा हमारा नेगेटिव फॉर्म में लाइक दिस है तो वी विल से दीज आर द लोकस ऑफ ऑल द कम्बिनेशन दैट शोज़ द कम्बिनेशन ऑफ एक्स वन एंड द एक्स टू फॉर विच कंज्यूमर इज़ इन डिफरेंट और वो इन डिफरेंट इन तमाम पॉइंट्स के लिए अगर है तो इसमें से वो अपने ऑप्टीमल पॉइंट की तरफ जैसे जैसे मूव कर रहा है लाइक इफ इट इज़ देंटर तो वो यहाँ से मूव करते करते इधर को जा रहा है और अगर इसे के अपोजिट वो मूव कर रहा होगा तो हम कहेंगे कि वो अपने ऑप्टिमल पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन से फार्दर या दूर होता चला जा रहा है एंड इसी सर्कल का दो राइट right पार्ट अगर हम लेते हैं तो दिस इज दैट दैट वी हैव एक्सप्रेस वेन द कंज्यूमर दे विल हैव टू मच ऑफ बिकॉज हमने इन डिफ्रेंस का अप्रोच में एक चीज़ को एज ए असूल पे ये एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि उसमें ट्रेड ऑफ में वन गुड हैज़ टू बी सेक्रीफाइड फॉर द अटेनमेंट ऑफ द अदर सो एज द कंज्यूमर विल मूव टूअर्ड्स द सेंटर और टुअर्ड्स द ब्लिस पॉइंट ही विल हैव मोर एंड मोर सेटिएशन जनरल लाइफ में अगर हम देखें तो कमोडिटीज़ में एक कंज्यूमर एट ए टाइम एक नहीं बहुत सी कमोडिटीज को इस्तेमाल कर रहा होगा दैट कैन बी अ पेन द इंक द ड्रेस द फूड या पसंदीदा तौर तो पे अब आप यंग लोग हैं जैसे तो किसी को चॉकलेट पसंद होगा किसी को आइसक्रीम पसंद होगी किसी को फ्रूट पसंद होगा लेकिन दैट पर्टिकुलर अमाउंट एक कंज्यूमर जो अगर पसंद कर रहा है उसकी पर डे या पर वीक या पर आवर पे जो एक अमाउंट है उसका कोई ना कोई एक थ्रेश या मैक्सिमम लेवल होगा जिससे आगे वो उसको मजीद हासिल करने के लिए द अदर गुड्स जिसको अगर हम कहें वो उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहा होगा एंड दैट पॉइंट जब उसको वो फर्दर किसी दूसरी कमोडिटी को सेक्रीफाइस ना करना चाह रहा हो दैट इज़ दैट सेटिशन पॉइंट और द ब्लिस पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम थैंक यू